याद रखें तमाम वालदैन अपनी औलाद को क्वालिटी टाइम दें। औलाद की तरबियत का सिलसिला ये उस वक्त शुरू नहीं होता जब बच्चा आपके पास 11 साल का हो जाए। जब माँ हामिला है ना, उस वक्त जो बाप अपनी बीवी से बुलंद आवाज में बात करता है, इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है ना, इसी वजह से होता है। ये जो जिद्दी होते हैं, बात बात पर लड़ाई करते हैं। तो जब माँ हामिला हो, उम्मीद से हो, उस वक्त भी माँ के सामने बुलंद आवाज में बात न करे बाप। उस वक्त क्वालिटी टाइम दब देखे जायनिस इस वक्त इस वाले से इसराइल में कितनी मेहनत हो रही है। जब माँ हामिला होती है तो उस वक्त उसे मछली खिलाते हैं, उस वक्त उसे मैथ्स पढ़ाते हैं, ताकि ये जो बच्चा जब दुनिया में आए ना, ये यहूदियों की क्यादत करे। और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये साबित है। वो जानते हैं कि माँ जहीन होगी, उस वक्त जब हामिला है तो बच्चा भी जहीन पैदा होगा। और जब बच्चा दुनिया में आए, तो जब बच्चा 10 साल से कम उम्र होता है ना, तो उस वक्त बच्चे का रोल मॉडल उसका बाप होता है। जब बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसका रोल मॉडल उसका मुंतहा नज़र उस वक्त कोई सेलिब्रिटी होगा। जब बच्चा घर में आता है ना छोटी उम्र में, तो बाप बाप को अपना होमवर्क दिखाता है, बच्चा बात बाप से बात करना चाहता है। उस वक्त गोया कि पाकिस्तान की पूरी सियासत बाप ने संभाली हुई है, बाप न्यूज़ देख रहा है, बच्चा होमवर्क लिखाना चाहता है। डैडी इसी तरह खबर आपके पास चला जा, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, फलां वज़ीर आज़म आया, फलां चला गया, सियासी हालात ये है, तुझे क्या लगे? तेरा इस वक्त सबसे बड़ी तेरी जिम्मेदारी तेरी औलाद है। अगर तू उसे संभाल सके ना, उसको उस वक्त क्वालिटी टाइम